बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आई एम डॉक्टर हसन इन फ्रंट ऑफ यू एंड टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज जनरल नॉलेज एग्जाम्स। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट नए हैं, उन सबको वेलकम। और कुछ मेरे आप में से पुराने स्टूडेंट भी हैं। अगर मैं न्यू स्टूडेंट्स को अपना इंट्रोडक्शन करवाता जाऊं, तो मैं जो है ग्रेड 17 में जॉब कर रहा हूँ एज ए प्रोडक्शन ऑफिसर। इसके अलावा अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में मैं एज ए रजिस्टर रिसोर्स पर्सन लेक्चर्स देता रहा हूँ। अब मैं नहीं देता क्योंकि मसरूफियात ज़्यादा होती हैं। अगर कैरियर की बात कर लें तो मेरी थ्रू आउट पोजिशन रही है सेकेंडरी पोजिशन। मेरी जो डिग्री है वो बहाउद्दीन जिक्री यूनिवर्सिटी मुल्तान से है। और अगर वन पेपर एमसीक्यूज की बात कर लें जो डिफरेंट एग्जामिनेशंस के आते हैं, तो अगर नुमाया नुमाया पेपर्स की बात कर लें, मेन एजेंसीज की बात कर लें, तो FIA 2019, MOD 2021 एंड रिसेंटली ASF 2022 मेरा क्लियर है। ये हो गया ब्रीफ प्रोफाइल मेरा। अब हम बात कर लेते हैं जनरल नॉलेज और वन पेपर एमसीक्यूज एग्जाम की। देखिए, जब हम लोग बैचलर्स या मास्टर्स की डिग्री करके निकलते हैं यूनिवर्सिटी से, तो हमारे पास कुछ ऑप्शन सामने आते हैं कि अब हमने किस फील्ड के अंदर जाना है। उसके अंदर से सबसे पहले तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम अपनी फील्ड के अंदर ही एक्सेल करें। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा अगर एमएससी केमिस्ट्री है, तो उसका पहले तो यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद हमारे जो ख्वाब होते हैं वो बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं। कुछ माहौल ऐसा मिला होता है, और खासकर अगर हमारी सीजीपीए अच्छी हो, तो हमें लगता है कि हमने जाते ही शायद कहीं पे असिस्टेंट डायरेक्टर लग के बत्ती वाली गाड़ी संभाल लेनी है और घर गाड़ी बंगला इस तरह का मिल जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब हम निकलते हैं फील्ड में, तो हमें पता लगता है कि यहाँ तो जॉब्स ही नहीं है। इवन हमें स्कूल टीचर की जॉब के ऊपर अप्लाई करना पड़ता है 9 स्केल 14 स्केल के ऊपर, और वो भी जब हम टेस्ट देते हैं तो टेस्ट में हम फेल हो जाते हैं। उसकी वजह क्या होती है? देखिए, हमने 16 ईयर, जिसने एमफिल किया उसने 18 ईयर की एजुकेशन हासिल कर ली। हमने जिंदगी के 18 साल लगा दिए एजुकेशन हासिल करने के लिए, लेकिन हमने पेपर की तैयारी करने के लिए कितना टाइम लगाया ये हम अपने आप से नहीं पूछते। एग्जाम्स में अपेयर हो जाते हैं। हम कहते हैं हमारी यूनिवर्सिटी में सीजीपीएं अच्छी थी, हमारी डिग्री अच्छी है, हमारी शायद लुक्स भी अच्छी हैं, तो उसके भी शायद नंबर होते हों कुछ। लेकिन ये सारा कुछ हो सकता है आप एक्सपीरियंस हो, आप बड़े अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ा रही हो, या जिस भी फील्ड से रिलेटेड हो, अपनी फील्ड के अंदर आप माहिर हो, लेकिन एग्जाम का क्राइटेरिया आपके सामने एक पेपर है जिसको कहते हैं वन पेपर एमसीक्यू एग्जाम। 100 MCQs हैं वो, जब तक आप वो क्लियर नहीं करेंगे आप तो इंटरव्यू में जा ही नहीं सकते। अपनी कोई क्वालिटीज अगर आप में मौजूद है, आपने बतानी है किसी को इंटरव्यू पैनल को, तो आप एग्जाम क्लियर करेंगे तो आगे जाएंगे ना। तो उस एग्जाम की तैयारी, आपको उसकी तैयारी की जरूरत होती है, चाहे वो आपके सब्जेक्ट का हो चाहे वो जनरल नॉलेज का हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ डिग्री करके निकलें और आप एग्जाम में पेयर हों और आपने प्रीवियस नॉलेज की बेस पे आप ये कहें कि मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। मैंने नहीं ऐसा होते देखा। चाहे आपके सब्जेक्ट का भी है, आपको उसकी तैयारी करनी पड़ती है। 2 महीने तैयारी करें, 3 महीने करें एटलीस्ट, और फिर एग्जाम के अंदर पेयर होना होता है। जहां आपने 18 साल की एजुकेशन कर ली, वहां आप 2 महीने 3 महीने मजीद पढ़ सकते हैं मेरा ख्याल है। और अगर आप नहीं पढ़ते तो फ्रस्ट्रेशन का नतीजा आता है आपके सामने, आप डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाते हैं। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। उनकी तवक्कात कुछ और होती हैं और फील्ड कंडीशंस कुछ और हैं। तो जो चीजें आपके सब्जेक्ट हैं वो तो आप अपना सब्जेक्ट तैयार करेंगे, आप जो भी उसके अंदर अपनी लेक्चरार की सीट पे अप्लाई करते हैं या कोई भी आपसे रिलेटेड सीट आ जाती है। आप लोग वर्सटाइल हैं, डिफरेंट डिग्री होल्डर्स हैं, बल्कि डिफरेंट प्रोविंसेस से हैं जो मेरा इस वक्त बैच ज्वाइन किए हुए हैं। अब वो जो सब्जेक्ट वाली सीटें भी हैं ना, वो बहुत कम आती हैं, खासकर पिछले 3-4 सालों से जो गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट्स की सीट्स हैं वो बहुत कम आई हैं।
जिसकी वजह से हमें जाना पड़ता है जनरल नॉलेज वन पेपर एमसीक्यू एग्जाम की तरफ। और ये सीटें जो जनरल नॉलेज वन पेपर एमसीक्यू एग्जाम की सीटें होती हैं, ये मच बेटर हैं आपके सब्जेक्ट वाले टीचर से। हम देखते हैं पाकिस्तान में जो अथॉरिटी वाले डिपार्टमेंट्स हैं, एफआईए है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, टॉप टू एजेंसियां हैं हमारे मुल्क की जिनकी जॉब एक सिविलियन बंदे के लिए सबसे बेहतर है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, एएसएफ है, कस्टम्स है, इनकी फुल अथॉरिटी वाली और प्रोटोकॉल वाली जॉब्स हैं। अब इन जॉब्स पे लगने के लिए एक आपके सामने सिलेबस दिया गया होता है और उसमें से पेपर लिया जाता है आप लोगों से, उसको बोलते हैं जनरल नॉलेज का पेपर। अब जनरल नॉलेज से मुराद ये है कि आपको कुछ सब्जेक्ट्स में एक्सेल होना पड़ेगा। ये जिनको वॉइस का इशू आ रहा है ना, तो उनके तरफ सिग्नल का प्रॉब्लम है, आप अपनी तरफ बेहतर जो है ना नेटवर्क अडॉप्ट करें, ये सिग्नल का प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर एक भी शख्स को मेरी आवाज ठीक आ रही है मेरी तरफ, इसका मतलब है एरर नहीं है, दूसरी तरफ एरर नहीं है, तो मेरा ख्याल है काफी सारे लोग हमें सुन पा रहे हैं। अब देखिए, ये जो आपका जनरल नॉलेज का एग्जाम होता है ना, उसके ऑलमोस्ट 10 से 11 सब्जेक्ट होते हैं जो मैंने आपके सामने एनलिस्ट किए हुए हैं। पाकिस्तान अफेयर, इस्लामिक स्टडीज, एवरीडे साइंस, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, ज्योग्राफी, इंग्लिश, कंप्यूटर एंड उर्दू, ये 10 सब्जेक्ट हैं जो जनरल नॉलेज के अंडर आते हैं। इन 10 को अगर आप कवर कर लेते हैं किसी तरह, तो आप चाहे पीपीएससी की सीट पे अप्लाई करें, चाहे एफपीएससी की सीट पे अप्लाई करें, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट जो जनरल नॉलेज बेस आपसे एग्जाम लेता है, फॉर एग्जांपल और भी बहुत सारे अदारे हैं जो डायरेक्ट अपना एग्जाम लेते हैं, रेलवेज हो गया, इसके अलावा कुछ एयरपोर्ट्स की जॉब्स होती हैं जो 16 ग्रेड से कम की होती हैं, ठीक है। इसके अलावा अभी कुछ जॉब्स आई हुई थी, मैंने ग्रुप में शेयर की थी, 247 जॉब्स, ठीक है, कुछ वो भी जनरल नॉलेज बेस्ड पेपर है, तो उनके अंदर इन्हीं सब्जेक्ट में से पेपर बन के आने हैं आपका, ठीक है। इनको कवर करने के लिए क्या तरीकाकार है, आपको एक होलिस्टिक अप्रोच की जरूरत होती है। होलिस्टिक अप्रोच का मतलब ये होता है मल्टी डिमेंशनल अप्रोच। देखें 10 सब्जेक्ट हैं, आपको पाकिस्तान अफेयर्स की बेसिक्स का भी पता होना चाहिए, इस्लामिक स्टडीज की बेसिक्स का भी पता होना चाहिए, करंट अफेयर्स दुनिया में क्या चल रहे हैं उसके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आपके पास तब भी आएंगी जब आप चीजों को एक ब्रॉडर वे में अब्सॉर्ब करने की कोशिश करेंगे, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करने काइंडली 2 से 3 महीने के लिए उस वे में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर तो आप इस रिदम के साथ चलेंगे तो ठीक है, आपका 2 से 3 महीने में क्लियर हो जाएगा एग्जाम और आप एक अच्छी 16 ग्रेड या 17 ग्रेड जॉब के ऊपर आ सकते हैं। लेकिन अगर आप उसके अंदर सुस्त रवि दिखाएंगे तो आपका पीरियड प्रोलॉन्ग हो जाएगा, 6 महीने पे चला जाएगा। आप और कम स्टडी करेंगे 1 साल पे चला जाएगा, और कम स्टडी करेंगे 2 साल पे चला जाएगा, और इतनी देर सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है एक स्टूडेंट के लिए। अगर उसकी कोई ना कोई प्राइवेट या किसी किस्म की जॉब ना लगे तो उसके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। लड़की हो तो घर वाले उसकी शादी कर देते हैं, लड़का हो तो फिर उसको कोई रेड़ी रूड़ी खोलने का सोच लेते हैं घर वाले, ठीक है। तो इन चीजों से अगर बचना है तो आप लोगों को अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। अब ये जो हम तैयारी करते हैं ना, एक तरीकाकार ये है, कुछ बच्चे एमसीक्यू की बुक ले लेते हैं। एमसीक्यू की बुक में मोस्ट फेवरेट, मोस्ट ऑथेंटिक, क्रेडिबल बुक है इम्तियाज शाहिद के मॉडल पेपर, नो डाउट वो एक अच्छी बुक है। उससे हमें क्या होता है, हमें एक ट्रेंड पता चल जाता है। पॉइंट नंबर 3 देखिएगा कि पास पेपर्स में किसी भी अदारे में पेपर आता किस तरह से है। जैसे मैं आप लोगों के साथ डेली बेसिस पे एक पास पेपर शेयर करूंगा, शुरू में हो सकता है आपको समझ ही ना आए उसके अंदर किन किन एरियाज में से आया हुआ है, क्या बातें पूछी हुई है, किस एग्रीमेंट के मुतालिक पूछा हुआ है, या कोई एक एरिया हम अगर ले लें, फॉर एग्जाम्पल 18th अमेंडमेंट अगर हम ले लें, पाकिस्तान अफेयर से ये रिलेटेड है, अगर वो पूछे किस तरीके को पास हुआ, किसकी गवर्नमेंट में पास हुई,
उसके अंदर क्या क्या चीजें थी, कौन सा आर्टिकल था, तो मे बी पॉसिबल जो नया स्टूडेंट है उसके लिए बिल्कुल भी ना पता हो कि 18th अमेंडमेंट होती क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, आर्टिकल्स क्या होते हैं। तो ऐसा ऐसा आप जब थोड़ा सा चलते जाएंगे तो आपको चीजों का पता चलना शुरू हो जाएगा। जो एडवांस लेवल पे स्टूडेंट होता है उसको थोड़ी सी पॉलिशिंग की जरूरत होती है, उसको पता होता है चीजों का, हमने सिर्फ एक हल्की सी डायरेक्शन प्रोवाइड करनी होती है और वो एक्सेल कर जाता है। जो बिगिनर होता है उसको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है। तो एक तो तरीकाकार ये होता है कि आप एक बुक, आप सब जो है एक लाजमी तौर पे बुक खरीदेंगे FPSC मॉडल पेपर्स इम्तियाज शायद के, इसका आप 53rd एडिशन खरीद लेंगे। इस वक्त इसका 53rd एडिशन जो है लेटेस्ट है। और अगर कोई PPSC की खरीदना चाहे तो वो इसका 93rd एडिशन खरीदेगा। सॉरी, ये FPSC का है 57th। इसमें 2022 तक के हुए हुए डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के पेपर मौजूद होंगे। और कोई PPSC का खरीदना चाहता है तो वो 93rd एडिशन खरीदेगा। अब ये डिपेंड ये करता है कि आपने इनमें से कौन सा खरीदना है, आपने किस सीट पे अप्लाई किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने लिटरेसी मोबिलाइजर की सीट पे अप्लाई किया हुआ है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आई थी, और आपको लगता है कि उसका पेपर 1 से 2 महीने बाद है, तो आप इस बुक को स्टडी कर लें। अगर आपने FIA में अप्लाई किया हुआ है, जिसके बारे में स्पेसिफिकली हमारा ये बैच है, तो आप फिर ये FPSC के मॉडल पेपर की बुक परचेज करेंगे, ठीक है। लेकिन इन दोनों में से एक आपको परचेज कर लेनी चाहिए। ऑनलाइन मंगवा लें, ऑनलाइन भी आजकल बुक्स आ जाती हैं। अगर आप बिग सिटी में हैं, मुल्तान, लाहौर, रावलपिंडी, वहां से तो इजीली अवेलेबल होती है। अगर आप किसी विलेज से हैं, अभी GK कारवान की बुक को आप रहने दें, अभी वो आप नहीं लेंगे। GK कारवान की बुक आमतौर पर उस लिए होती है कि जो लोग, जैसे आप लोग मेरे से बैच अटेंड कर रहे हैं ना, पर सब्जेक्ट वाइज मैंने आपको वैसे ही तैयार करवाना है। GK कारवान की बुक है सब्जेक्ट वाइज, यही अगले में पॉइंट पे आने लगा था। अब देखिए, पास पेपर्स आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे, आपको ट्रेंड पता चल जाएगा कि किन किन पोर्शंस को एग्जामिनर हिट करता है। दूसरे नंबर पे, सिर्फ MCQs की बेस पे आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता, आपको सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट बेसिक कंसेप्ट बनाने होते हैं। अब उसके दो तरीकाकार है, जैसे आप लोग मेरे साथ अटैच हैं, मैंने ये बुक्स पढ़ी नहीं है। अब मैं अगर आपको सब्जेक्ट, मैं पाकिस्तान अफेयर्स स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ आपको, मैं पाकिस्तान अफेयर्स आपको अगर स्टार्ट करवाऊंगा, तो जो चीजें उस बुक में दी हुई हैं, इसके अलावा पास पेपर्स में दी हुई हैं, इसके अलावा जो एरियाज एग्जामिनर पूछता है वो मैं आपको खुद ही कवर करा दूंगा। 1 वीक अगर हम पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ेंगे तो आपका एक सब्जेक्ट कवर हो जाएगा, तो आपको फिर जरूरत नहीं है कि आप लोग कारवान की बुक खरीदें, जनरल नॉलेज इंसाइक्लोपीडिया। ये कारवान की भी है, जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स की भी है, इल्मी की भी है, ये मैटर नहीं करता आप किसकी बुक उठाते हैं, मैटर ये करता है कि आप पढ़ते कितने हैं। ऑलमोस्ट हर बुक का मटेरियल सेम है, कॉपी पेस्ट ही है, किसी ने 2 पेज पीछे लिख दिए, किसी ने 2 पेज आगे लिख दिए, फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर दिया और एग्जामिनर ने अपनी बुक का नाम शाया कर दिया। नॉलेज सेम ही रहना है जहां से भी आप पढ़ लें। मसला ये है कि पढ़ें तो सही, आप लोग क्या करते हैं मोस्टली, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, सिर्फ बुक गैदरिंग, डेटा गैदरिंग के ऊपर लगे रहते हैं, मटेरियल गैदरिंग। क्योंकि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स में तकरीबन 6 से 7 हज़ार लोग हैं, मुझे डेली बेसिस पे मैसेज आते हैं स्टूडेंट्स के, तो उनकी बस डिमांड होती है मटेरियल को इकट्ठा करना, फोल्डर के अंदर उसकी वो स्टेकिंग लगाते रहते हैं, अलग करके उसको रखते रहते हैं। और खासकर जब आखिरी वीक रह जाता है पेपर का, तब मुझे बेशुमार मैसेज आते हैं, सर 1 वीक रह गए पेपर का, कोई ऐसा शॉर्टकट नोट्स दे दें जिससे पेपर क्लियर हो जाए। तो मुझे बड़ी हैरानगी होती है मेंटेलिटी लेवल पे स्टूडेंट्स के, कि किस तरह से मुमकिन है। इस तरह तो 17th ग्रेड की सीट हर बच्चा ना ले ले, एक हफ्ता कोई ऐसी फाइल हो जिसका में से MCQs आते हो, पेपर आता हो, 80 नंबर आ जाते हो, तो वो हर बंदा एक हफ्ते पेपर पढ़े, पेपर में अपेयर हो और वो 17th ग्रेड की सीट ले ले। FIA की खासकर 1.5 लाख रुपया सैलरी है FIA की, असिस्टेंट डायरेक्टर की,
इंस्पेक्टर भी की भी 1 लाख से अबव है, और सैलरी मैटर नहीं करती, अथॉरिटी मैटर करती है, अथॉरिटी बेपनाह है। मैं आपको जब एक्ट पढ़ाऊंगा ना एफआईए का लास्ट डेज में, तो आप उसकी अथॉरिटीज पढ़ के हैरान रह जाएंगे। एक बंदे को बगैर किसी शक सुबे के, सिर्फ ये सोचते हुए कि वो दिमाग में सोच रहा है पाकिस्तान के खिलाफ साजिश या कुछ भी, आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं। जिधर अरेस्ट करते हैं वही जगह उसकी जेल बन जाएगी। एक घर में अरेस्ट करते हैं ना, वही उसका जेल है, वो जगह जेल कंसीडर होगी। इतनी पावर्स हैं एफआईए वाले की, खासकर टॉप का दार है पाकिस्तान का। तो आपका क्या ख्याल है कि एक हफ्ते में आप वो फाइल पढ़ के 17 ग्रेड की सीट के ऊपर लग जाएंगे, और जो 6-6 महीने 8-8 महीने से झक मार रहे हैं, उन्होंने किताबों की किताबें छान ली हैं, उनको आप कहेंगे कि जी ये हर पेपर पता नहीं इनका क्यों पास हो जाता है, हर लिस्ट में इनका नाम क्यों आ जाता है, ये जो है हमारा हक मार रहे हैं। भाई आपके नंबर आ रहे हैं 40-50, एक बंदे के नंबर आ रहे हैं 85-90, हाउ मच डिफरेंस। आप अगर वो पेपर एग्जाम ना भी देना एक बंदा, तो आप इस लेवल से इस लेवल के दरमियान एक बहुत बड़ा गैप है। एक बंदा है उसके तो एग्जाम में आ जाते हैं 84, वो तो चलो को कहता अच्छा लगता है यार मेरा हक मारा गया, ये जो पहले वाले ने ना पेपर दे दिया, हालांकि वो भी हक मारा नहीं जाता, पहले एग्जामिनेशन होता है उसके थ्रू, एक मतलूबा मकदार आगे जाती है, फिर इंटरव्यू कंडक्ट होता है, हर सीट पे 5 लोग बुलाए होते हैं उन्होंने, तो ऑटोमेटिकली वहां पे फिल्टर लग जाता है, जिनके हाईएस्ट मार्क होते हैं उन्होंने इंटरव्यू में पहुंचना होता है। सीट भी एक बंदा 2 सीटों पे काम नहीं कर सकता, एक बंदे ने एक सीट, वेटिंग लिस्ट का भी एक सिस्टम होता है। खैर ये बातें मैं आगे चल के आप लोगों से मतलब क्यूरीज डिस्कस होती रहेंगी। तो वेटिंग लिस्ट का भी एक सिस्टम होता है, ऐसा नहीं होता किसी का हक मारा जाता है, एक बंदा हमेशा एक ही सीट पे काम करता है, और वो जितने मर्जी एग्जाम दे ले, मेरिट पे कोई इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि आगे इंटरव्यू में भी शॉर्ट लिस्टिंग होनी है, 5-5 लोग गए हुए हैं एक सीट के हिसाब से, वो इंटरव्यू में ये अपेयर नहीं होगा वो बंदा, तो जो हायर मार्क्स वाले लोग हैं वो ऑलरेडी इंटरव्यू दे देंगे उसकी जगह, और अगर वो इंटरव्यू भी दे देगा फिर भी इंटरव्यू की लिस्ट होती है, उसका नाम अगर निकल जाएगा लिस्ट से, वेटिंग लिस्ट वाला ऊपर आ जाएगा। तो मसला असल ये है पढ़ने का, पढ़ना पड़ता है फिर ही मार्क्स आएंगे। उसके लिए ये 2 चीजें हो गई, एक तो आप डेली बेसिस पे पास पेपर पढ़े, और सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आपको कवर करना होगा। मैंने पीछे आपको 10 सब्जेक्ट दिखाए हैं, या ट्रेनिंग के ऊपर क्यों जा रहे हैं आप डायरेक्टर, अभी तो रिटन एग्जाम भी नहीं हुआ, रिटन के बाद डिस्क्रिप्टिव भी होना है, आप तो डायरेक्ट ट्रेनिंग के ऊपर चल रही हैं। तो सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आपको कवरेज करनी होगी पर वीक बेसिस पे, पास पेपर्स आपको कवर करने होंगे, न्यूज़पेपर पढ़ने को अपनी डेली हैबिट बनानी होगी, खासकर डॉन न्यूज़पेपर। डॉन न्यूज़पेपर एक अच्छा न्यूज़पेपर है, उसमें से आपकी वोकैबुलरी बिल्ड होती है, इकोनॉमी के इशू कवर होते हैं, सोशियोलॉजिकल इश्यूज कवर होते हैं, इंटरनेशनल इश्यूज कवर होते हैं, और करंट अफेयर्स कवर होते हैं। हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं नहीं, अगला एग्जाम देते हैं हम कहते हैं जी एग्जामिनर ने पेपर ही चेंज कर दिया, पास पेपर में से कुछ भी नहीं आया। भाई ट्रेंड चेंज हो रहा है, नॉलेज रोज अपडेट हो रही है, एक दिन में कितने वाकयात हैं जो चेंज हो रहे हैं, वो आपको तभी आएंगे जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। आपकी बहुत सारी चीजें जो हैं, यहां से हमें ये समझ आया कि हमें 2-3 चीजों को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना पड़ेगा। ये जो इवन पीएमएस सीएसएस और ये एग्जाम्स होते हैं, ये आपका लाइफस्टाइल है, ये कोई तैयारी नहीं है, आपको एक न्यू लाइफस्टाइल में ढल जाना है, जिसमें आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, जिसमें आपको दिन में 4-6 घंटे स्टडी करनी है, आपको जो है वो मटेरियल गैदरिंग की जगह उसको बुक्स को ओपन करके पढ़ना पड़ना है, तभी जाके आपकी ये चीजें जो है वो कवरेज की तरफ जाती हैं, कवर होती हैं। अब आ जाएं एग्जामिनेशंस की तरफ। हमारे मुल्क में 2 बड़े अदारे हैं जो एग्जाम्स लेते हैं, एक कहलाता है एफपीएससी, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। इससे मुराद होता है वफाकी लेवल के, फेडरल लेवल के एग्जाम। वफाक से मुराद
हमारे वो अदारे हैं जो डायरेक्टली अंडर होते हैं प्राइम मिनिस्टर के, आप ये समझ लें फेडरल लेवल के। इसमें आपको थ्रू आउट द पाकिस्तान कहीं भी अपॉइंट किया जा सकता है। जो फेडरल लेवल की सीटें होती हैं वो हाईली ल्यूक्रेटिव होती हैं, इसमें आपको अच्छा पे स्केल मिलता है, सैलरी अच्छी है, घर के पैसे अगर दें तो ठीक, नहीं तो अच्छी खासी अमाउंट मिल जाती है। 17 ग्रेड की कम से कम सिर्फ घर घर का 44,000 आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, अगर घर नहीं देंगे वो तो। तो फेडरल लेवल की जॉब में कौन सी आ जाती है? FIA, IB, ASF, कस्टम्स, ये मेन चार अदारे हैं जिनकी जॉब्स तकरीबन हर साल इन चारों अदारों में इंस्पेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब्स आती हैं। और इस पे अप्लाई कौन कर सकता है? इंस्पेक्टर पे अप्लाई कर सकता है 14 ईयर ऑफ एजुकेशन वाला, जिस मर्जी सब्जेक्ट में उसकी है, BA सिंपल भी है ना, वो अप्लाई कर सकता है इंस्पेक्टर की सीट पे 16 ग्रेड पे। और जिसका मास्टर्स है किसी भी फील्ड में है, चाहे उसने केमिस्ट्री में किया है, चाहे उसने फिजिक्स में किया है, चाहे जूलॉजी में किया है, चाहे इकोनॉमिक्स में किया है उसने, चाहे उसकी कोई बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड डिग्री है, इवन चाहे MBBS है, DVM है, फार्मासिस्ट है, ही और शी कैन अप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री इन अदारों में एज ए AD असिस्टेंट डायरेक्टर। इनके ऊपर अप्लाई कर सकता है एक जिस शख्स ने बैचुलर्स किया हुआ है या उसने मास्टर्स किया हुआ है फेडरल लेवल की जॉब पे। दूसरी होते हैं प्रोविंशियल लेवल एग्जाम्स, सूबाई, हर सूबे का अपना एक सर्विस कमीशन होता है, जस्ट लाइक पंजाब का है PPSC, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, KPK का है KPPSC, ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन। सिमिलरली सिंध का है, हाँ जी, DVM मास्टर लेवल है, 17 ईयर ऑफ एजुकेशन है, DVM इज इक्वल टू मास्टर्स लेवल, MBBS इज इक्वल टू मास्टर्स लेवल, बट जहां पे सब्जेक्ट मेंशन नहीं होगा, ये जो पीछे मैंने बातें की कि आप लोग एक ग्रेजुएट बंदा और एक DVM एक मास्टर्स बंदा वो अप्लाई कर सकता है इंस्पेक्टर और AD की सीट पे रेस्पेक्टिवली, तो वो तब अप्लाई कर सकता है जब वहां सब्जेक्ट मेंशन नहीं होगा। और जो मैंने आपको सीटें बताई उनमें सब्जेक्ट मेंशन नहीं होता, वहां सिर्फ लिखा होता है सेकेंड क्लास मास्टर डिग्री, अभी आगे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। नहीं जी, ग्रेजुएशन लेवल, देखिए जो बंदा मास्टर्स है वो डेफिनेटली ग्रेजुएशन लेवल पे तो अप्लाई करेगा ही ना, जिसकी डिग्री हायर है वो ग्रेजुएशन लेवल की किसी भी सीट पे अप्लाई कर सकता है। DVM इज इक्वल टू मास्टर्स, MBBS इज इक्वल टू मास्टर्स, कोई भी 16 ईयर ऑफ एजुकेशन मास्टर्स के इक्वल होगी जो 16 ईयर को क्रॉस कर देगी। तो इन आपके जो सूबे हैं, मोस्टली यहाँ पे पंजाब के लोग होंगे, वैसे में उसका KPK के और GB के गिलगत बल्तिस्तान के भी लोग हैं इस बैच में। तो आपका जो अपना होता है प्रोविंशियल लेवल एग्जाम, उसमें भी बहुत सारी सीटें आती रहती हैं। अगर ज्यादा पंजाब के लोग हैं उस हवाले से बात कर लें, तो अभी लिटरेसी मोबिलाइजर्स की सीटें आई लिटरेसी डिपार्टमेंट में, फूड डिपार्टमेंट में सीटें आई, SND GD के अंदर सीटें आती हैं, पुलिस के अंदर सीटें आती हैं सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर की, और भी बहुत सारे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है, ठीक है, वुमेन्स के रिलेटेड अदारे हैं, वेलफेयर का अदारा है, इन सब अदारों में भी जॉब्स आती हैं जिनमें डिग्री मेंशन नहीं होती, जस्ट लिखा होता है ग्रेजुएशन रिक्वायर है, ठीक है। तो इन सब के ऊपर भी एक बंदा जो है वो अप्लाई कर सकता है। इस वक्त आज डेट है 8th of May 2023, फिलहाल ना PPSC में कोई जॉब्स ओपन है ना FPSC में कोई जॉब्स ओपन है जिन पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इक्का दुक्का सीट वाली है कुछ, जैसे FPSC में लेक्चरर की सीटें हैं, फिजिक्स वाले उस पे अप्लाई कर सकते हैं और जियोग्राफी वाले, बाकी जिस तरह आती है ना इकट्ठी जॉब्स FIA की, कस्टम्स की, या इसकी इस वक्त कोई पाइपलाइन में नहीं है। जिन लोगों ने पहले अप्लाई किया हुआ है FIA पे
उन लोगों का एग्जाम तो आगे एक्सपेक्टेड है कि जून के एंड या जुलाई के अंदर हो जाए। लिटरेसी मोबिलाइजर पे पीपीएससी में जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है उनका भी ये एक्सपेक्टेड है जून या जुलाई में उनका एग्जाम हो जाए। बाकी सीटें आती रहती हैं, तकरीबन हर महीने ही सीट आती है। अब हम बात कर लेते हैं इन्वेस्टिगेशन की। जी फैसल, क्या बातें कर रहे हो, मुझे आपकी कुछ समझ नहीं आ रही, क्या पूछना चाह रहे हो? और क्या आप मेरे साथ रजिस्टर्ड हो भी इस बैच में? मेरे से आपकी मेरा ख्याल है बात नहीं हुई। तो पूरा पूरा जुमला लिखो ना, टेस्ट कब है, और सेकेंडली मुझे इनबॉक्स में बताना, मुझे व्हाट्सएप पे, कि आप तो मेरे साथ, मेरा ख्याल नहीं ख्याल कि फैसल नाम का कोई बंदा मेरे साथ रजिस्टर्ड है। या तो अपना नाम सही कर लो या क्लास को लीव कर दो। अब बात कर लेते हैं एफआईए इंस्पेक्टर और एडी की सीट्स की। ये केस नंबर है 45 एंड 46, 2023, 2023 में मार्च के महीने में ये एडवर्टाइजमेंट आई थी इनकी, एफआईए इंस्पेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर की। हम एडवर्टाइजमेंट को पहले देख लेते हैं थोड़ा सा। ये इंस्पेक्टर की एडवर्टाइजमेंट थी। यहां जो मैंने पीछे बात की, सेकंड क्लास और बैचलर्स डिग्री, 14 ईयर ऑफ एजुकेशन इन एनी फील्ड। आप लोगों में से जिन्होंने अप्लाई किया होगा, अब तो अप्लाई दोबारा कर नहीं सकते। इसकी देखें क्लोजिंग डेट 20 मार्च 2023 थी। सिमिलरली इसी के साथ सीट आई थी असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन BS17 की, और 30 सीट्स थी ये। इसमें आप लोगों ने जो 16 ईयर ऑफ एजुकेशन थे, मास्टर्स डिग्री देखें यहां लिखा हुआ है, कोई सब्जेक्ट मेंशन नहीं है। तो एनी पर्सन हु हैव 16 ईयर ऑफ एजुकेशन इन एनी फील्ड वो इसके ऊपर अप्लाई कर सकते थे। इसके ऊपर आप लोगों ने, जिन्होंने अप्लाई किया होगा, उनका टेस्ट कब है? एफपीएससी पीपीएससी बाउंड नहीं होते किसी को बताने के टेस्ट कब लेंगे, वो ऑटोनोमस अदारे हैं। बट हम क्या करते हैं, हम प्रीवियस इनका ट्रेंड देखते हुए अंदाजा लगाते हैं कि लास्ट टाइम इनके पेपर का क्या शेड्यूल रहा है। तो अगर हम प्रीवियस ट्रेंड को देखें तो एडवर्टाइजमेंट आने के 3 से 7 महीने के अंदर एफपीएससी टेस्ट अपना लेता है। एफपीएससी थोड़ा सा स्लो, थोड़ा नहीं, अच्छा खासा स्लो है। पीपीएससी अपनी एडवर्टाइजमेंट के इवन 15 दिन बाद भी पेपर ले लेता है, काफी तेज है। आपको तैयारी करने का मौका भी नहीं मिलता, इसलिए आपकी तैयारी पहले से होनी चाहिए। सीटें आएंगी, आप अप्लाई करेंगे, उसके 15 दिन बाद वो टेस्ट ले लेगा, तो आपको पहले तैयारी करनी पड़ती है। एफपीएससी, जैसे कि आप लोगों ने असिस्टेंट डायरेक्टर और इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई किया होगा, यहाँ पे आपको जो है वो अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। अब देखिए विद इन वीक भी हो जाता है, एडवर्टाइजमेंट क्लोज होती है उसके हफ्ते बाद भी ले लेता है, ऐसे ही है। तो वहां पे खासकर जो सब्जेक्ट वाले होते हैं ना, जिसका जो सब्जेक्ट होता है उसको तो तैयारी करने का मौका मिलता ही नहीं है। तैयारी आपकी किसी भी एग्जाम की पहले होनी चाहिए। बट मसला हमारे साथ ये है कि हमारे माइंड में अनसर्टेनिटी, और वाकई ही पाकिस्तान अनसर्टन है। आप पहले तैयारी करके बैठ जाए, हमें पता ही नहीं होता सीटें कब आएंगी, हो सकता है 6 महीने बाद आए, 8 महीने बाद आए, खासकर आपके अपने सब्जेक्ट की, तो वो बड़ा मसला हो जाता है। जहरी बात है आपने तैयारी की होती है, 2-3 महीने करते हैं, 3-4 महीने बाद वो कम होना शुरू हो जाती है, एक माइंड लेवल भूलना शुरू हो जाता है जब चीजें रिवाइज नहीं होती। खैर, तो अगर एफआईए की बात करें तो इसके जो टेस्ट हैं वो एक्सपेक्टेड डेट के मुताबिक जुलाई से सितंबर के दरमियान बनता है।
जुलाई से सितंबर के दरमियान इसका टेस्ट होगा, मोस्ट प्रोबेबली जुलाई के अंदर हो जाएगा, जून एंड या जुलाई में प्रीवियस ट्रेंड के मुताबिक। अब अगर हम इसके सिलेबस की बात कर लें, ऑफिशियल सिलेबस जो एफपीएससी अपनी जो भी सीट निकलती है उसका सिलेबस देता है प्रॉपरली अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो जो आपका इंस्पेक्टर का सिलेबस है उसमें 20 मार्क्स की इंग्लिश है, 16 मार्क का जनरल नॉलेज है, 16 मार्क्स का एवरीडे साइंस है, 16 मार्क्स का मैथ है, 16 मार्क्स का आपका करंट अफेयर्स है, और 16 मार्क्स का आपका पाकिस्तान अफेयर और इस्लामिक स्टडीज है। जो इंस्पेक्टर और एफआईए का पुराना सिलेबस था पिछले सालों में, उसमें पाकिस्तान अफेयर और इस्लामिक स्टडीज नहीं पूछी जाती थी इंस्पेक्टर, लेकिन जो अब अपडेटेड सिलेबस है उसमें आपसे पाकिस्तान अफेयर भी पूछी जाएगी और इस्लामिक स्टडीज भी पूछी जाएगी। तो यहां से हमारे सामने जो सब्जेक्ट निकल रहे हैं वो कितने निकल रहे हैं, इंग्लिश 20 नंबर की, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमारे सामने 6 सब्जेक्ट्स निकल रहे हैं जिनकी हमें तैयारी करनी चाहिए। पीछे मैंने आपको टोटल सब्जेक्ट दिखाए थे 10 सब्जेक्ट्स, जो सिलेबस होता है वो हर सीट का वेरी करता है, उन 10 में से 6 या 7 सब्जेक्ट्स में से पेपर आना होता है। तो जो आपका एफआईए का पेपर है वो इन 6 सब्जेक्ट्स में से आना है। आप ये 6 सब्जेक्ट मेरे साथ 2 मंथ में तैयार कर लेंगे, और अगर अगले 3 सब्जेक्ट जो पीपीएससी के हैं वो कोई तैयार करना चाहता है तो वो हम 3rd मंथ के अंदर भी जा सकते हैं, बेस्ड अपॉन द स्टूडेंट्स के कितने स्टूडेंट जो हैं सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी करना चाहते हैं। कुछ होते हैं वो कहते हैं नहीं बस सीट की ही तैयारी करनी है, बस उनके लिए एफआईए ही एक सीट है, उसी का सिलेबस वो कहते हैं कि ये ही बस है, लेकिन असल चीज वैसे जो होती है ना वो टोटल 10 के 10 सब्जेक्ट्स का जनरल नॉलेज होता है आपका, क्योंकि आगे आपने इंटरव्यू में भी जाना है। अगर आपके पेपर में नहीं भी आ रहा ना एमसीक्यूज इंटरव्यू में, तो वो आपसे पूछ सकते हैं बाकी भी, इंटरव्यू एक ओपन फील्ड होती है। सेकेंडली अगर एडी का सिलेबस देख लें, एडी का सिलेबस सेम है इंस्पेक्टर के, इसमें सिर्फ एफआईए का एक्ट एक्स्ट्रा है 13 नंबर का, बाकी सारी चीजें सेम है। इसी तरह आप लोग इसके बाद भी कुछ सीटों पे अप्लाई करेंगे, आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट सिलेबस सेम ही होता है हर सीट का, थोड़ा बहुत फर्क होता है आखिरी लेवल पे, किसी में वो एक्ट पूछ लेता है, किसी के अंदर वो कहेगा कि उर्दू भी पूछनी है मैंने, किसी में वो कहेगा कंप्यूटर पूछना है, एक आधे सब्जेक्ट का फर्क होता है, बाकी हर तमाम सब्जेक्ट जनरल नॉलेज की सीट्स में सेम होते हैं। अब हमारा स्टडी का प्लान क्या होगा, 5-day क्लासेस होती हैं वीक में, संडे लाजमी ऑफ होता है, और एक दिन मैं आपको जो है वो खुद बताता हूँ कि आज का दिन ऑफ होगा, क्लास से 1 या 2 घंटे पहले मैं ग्रुप के अंदर मैसेज लगा देता हूँ, वो डिपेंड करता है कि कौन सा ऑफ होगा, वो मेरी कोई मीटिंग वगैरह आ गई है या और कोई फैमिली का कोई इशू वगैरह, तो उस दिन वो मैं आपको बता देता हूँ। 5 दिन हमारी क्लासें होती हैं, 5 डेज आपको असाइनमेंट मिलेगी, कोशिश करें असाइनमेंट जो मैं आपको दूं उसको कंप्लीट कर लें, डिस्कशन ग्रुप के अंदर वो चीज सेंड कर दें। फॉर एग्जांपल मैं आपको कह देता हूं पाकिस्तान का नक्शा बनाएं विद बॉर्डर्स, तो वो आपको सबको बनाना होगा, ठीक है। एक पर डे 1 पास्ट मार्क्ड पेपर होगा, ये असाइनमेंट वाली चीज होती है ग्रुप की अपनी उसके ऊपर, अगर मेरे डिफरेंट बैचेस चलते हैं ना, जब कोई बैच होता है वो बड़ा इंटरेक्टिव होता है आपस में, उनका इंटरेक्शन ग्रुप के लेवल तक अच्छा होता है, उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं एमसीक्यूज के हवाले से भी, तो वहां मैं असाइनमेंट्स देता हूँ, जहां मैं देखता हूँ कि जरा कम है पार्टिसिपेशन स्टूडेंट्स की फिर मैं ये असाइनमेंट स्किप कर देता हूँ, तो ये आप लोगों के पार्टिसिपेशन लेवल के ऊपर होगा। उसके बाद एक डेली बेसिस पे मार्क पास पेपर मिलता है, काफी हद तक प्रूफ रीड होता है, गलतियों के उसमें चांसेस नहीं होते। आमतौर पर हम जब
जो बुक्स लेते हैं ना पीपीएससी या एफपीएससी की, उसके अंदर गलतियां होती हैं, हमारे जेहन में यही होता है, उसको बार बार इंटरनेट से सर्च किया। जो मैं आपको पेपर दूंगा वो 99% श्योर होगा कि उसके अंदर जो एमसीक्यू स्टिक हुए हैं वो ठीक है, बाकी 1% मार्जिन तो होता ही है। और जो कुछ हम स्टडी कर लेंगे एक वीक के अंदर, उसका वीक के एंड पे मोस्ट प्रोबेबली संडे वाले दिन आपका एक टेस्ट हो जाएगा। टेस्ट का तरीका कार वगैरह मैं आपको समझा दूंगा किस तरह से देना है, लेकिन आप ये ज़हन में रखें कि हम जो एक वीक में जितनी चीजें पढ़ेंगे उसकी आपकी सेल्फ असेसमेंट हो जाया करेगी आफ्टर वन वीक। ये जो कोर्स प्लान है 2 मंथ का, वो किस तरह से होगा हमारा? पीछे हमने सब्जेक्ट देख लिया कि किन सब्जेक्ट्स में से पेपर आना है, तो वो हमारे सब्जेक्ट्स बनते हैं जिसमें एफआईए का आपका पेपर आना है, पाकिस्तान अफेयर्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और इस्लामिक स्टडीज। ये 4 सब्जेक्ट हम फर्स्ट मंथ में कवर करेंगे और सेकेंड मंथ में हम जनरल नॉलेज, एवरीडे साइंस, करंट अफेयर और एफआईए का एक्ट, सेकेंड मंथ में हम ये चीजें कवर करेंगे। जिन लोगों का इंस्पेक्टर का पेपर है उनको इसकी जरूरत नहीं होगी, जो लोग पीपीएससी का पेपर तैयार कर रहे हैं उनको भी इसकी जरूरत नहीं होगी, लेकिन बाकी पहले 7 सब्जेक्ट सेम है किसी भी सीट के लिए। तो 2 मंथ में ये चीजें हमारी इंशाल्लाह कवर हो जाएंगी। और अगर कोई शख्स पीपीएससी की तैयारी कर रहा होगा, पीपीएससी में पीछे हमने 7 सब्जेक्ट देखे, पीपीएससी में 10 सब्जेक्ट्स का से पेपर आता है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में, 10 सब्जेक्ट्स में से। ये वाले उर्दू कंप्यूटर एफआईए के सिलेबस का पार्ट नहीं है, एफआईए के कंप्यूटर, उर्दू और ज्योग्राफी, ये 3 सब्जेक्ट पार्ट नहीं है। लेकिन अगर कोई शख्स आगे भी वो चाहता है कि उसने अप्लाई करना है पीपीएससी में, या करते ही रहते हैं आप लोग, तो इन 3 सब्जेक्ट्स के लिए हमें एक अलग मंथ लगाना पड़ेगा, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि स्टूडेंट्स की तादाद कितनी है आप में से जो विलिंग है इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए, तो उसके लिए हम एक 3rd मंथ लगा सकते हैं। बुक्स के हवाले से आप देख लें कि आपको एक तो पास पेपर्स की बुक्स लेनी है, बुक लेनी है। उसके बाद जब हमारा जो भी सब्जेक्ट चल रहा होगा, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान अफेयर अगर चल रहा है, मैं आपको आज तो टाइम 11 बज ही गए हैं इंट्रोडक्शन और इन्हीं चीजों में, कल से इंशाल्लाह हम पाकिस्तान अफेयर का पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आपकी देखें डेली की रूटीन जो मेरी तरफ से सेट है वो है एक लेक्चर, जो लेक्चर में दूंगा उसकी पीडीएफ फाइल भी आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। ये वाला भी जो एक हमारा डेमो टाइप हुआ है इसकी भी मैं फाइल आपको ग्रुप के अंदर दे दूंगा कि चीजें आपकी रिवाइज हो जाए। एक पास पेपर, तो मेरा ख्याल है कि ये 2 चीजें आपकी जस्ट 2 घंटे के अंदर हो जाती हैं, आपको इससे ज्यादा पढ़ना चाहिए। आपको जो ऑलमोस्ट डेली का 4 से 6 घंटे मस्ट पढ़ना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि विद इन 2 to 3 months आपका एग्जाम क्लियर हो। तो अगर मैं पाकिस्तान अफेयर स्टार्ट करूंगा, जो आप में से बिगनर लेवल का होगा वो तो ये 2 चीजें स्टार्ट कर ले उसके लिए काफी है, लेकिन अगर एक शख्स एडवांस लेवल है और उसके पास टाइम अवेलेबल होता है तो वो मेरे से इसकी बुक्स भी पूछ सकता है कि रेफरेंस बुक मुझे कौन सी पढ़नी चाहिए एक्स्ट्रा माइल जाने के लिए, बाकियों से बेहतर कारकर्दगी करने के लिए, या किन सोर्सेस से पाकिस्तान अफेयर्स को मजीद कवर करना चाहिए। फॉर एग्जांपल पाक एमसीक्यूज के एमसीक्यूज अच्छे होते हैं, एक वेबसाइट है इसकी फाइल्स मेरे पास अवेलेबल होती हैं, पाकिस्तान अफेयर की अवेलेबल है, पाकिस्तान अफेयर्स की ही test.pk की अवेलेबल है। तो जो पढ़ना चाहेगा वो मेरे से मैसेज करके मेरे से ये भी सोर्सेज ले सकता है। तो ये जी आज का हमारा आप समझ लें कि डेमो हो गया, बेसिक गाइडलाइन होगी आप लोगों के लिए,
और इसके अलावा कोई अगर आपकी क्यूरी है, अब आप मेरे से अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी किस्म का भी कोई आपके माइंड में जो है कोई क्यूरी हो, उसको मैं एड्रेस करूंगा। नेगेटिव मार्किंग आपकी जो है एफपीएससी के पेपर्स में नहीं होती। मैंने आप लोगों को एफपीएससी और पीपीएससी का फर्क बताया। आपका जो कमीशन होता है इसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन इनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एफआईए, आईबी मेन जो आप लोग जिसके आगे तैयारी करेंगे, एफआईए, आईबी, एएसएफ एंड कस्टम्स, तो आप इसमें पूरे 100 के 100 एमसीक्यू ही टिक करके आएंगे, चाहे आपको आते हैं या नहीं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। पीपीएससी का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। एक तो इसमें सब्जेक्ट 10 है, ऊपर से 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी है, और इस सब के बावजूद भी मेरिट काफी हाई चला जाता है, क्योंकि 3-4 साल से आप देखें जॉब्स नहीं आ रही, लोग बैठ के पढ़ रहे हैं, सोच नहीं रहे, तो आप उनको मीटअप करने के लिए अगर पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आज से 2-3 महीने बाद आप उनके लेवल पे आ जाएंगे। जिस एग्जाम में आप अपेयर करेंगे आपका वही एग्जाम क्लियर हो जाएगा, हर दूसरी लिस्ट में आपका नाम आ सकता है। जी और कोई क्वेश्चन? रेफरेंस बुक्स एंड मटेरियल वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, व्हाट काइंड ऑफ रिकमेंडेड बुक्स विल बी रेफर्ड, इस बात का मैं आपको मतलब नहीं समझा, आसान जुबान में समझा दें, क्या कहना चाह रहे हैं आप इब्रारुल्ला? रिकमेंड मैंने जो वन पेपर एमसीक्यू के हवाले से आपको बुक की है, जितना मैं आपका क्वेश्चन समझ पाया हूँ, वो तो एक आपको किए हैं मैंने पास्ट पेपर्स, इम्तियाज शायद के, वो मैं आपको डेली बेसिस पे प्रोवाइड भी करूंगा, लेकिन आप उसकी एक बुक भी खरीद लें। देखिए हमारा जो है ना सेशन, वो अगर 2 महीनों का है, कुछ उसमें छुट्टियां वगैरह आ जाती हैं, तो मैक्सिमम हम जो है ना 40 to 45 पेपर पढ़ सकते हैं डेली बेसिस पे करके, लेकिन इसमें होते हैं 200 पास पेपर्स, आपको ये सारे पढ़ने होते हैं, सारे के सारे पढ़ने होते हैं। तो आप बुक ले लीजिए, जो पेपर मैं आपको देता हूँ वो मैं आपको मार्क्ड और सॉफ्ट फॉर्म में भी दूंगा, और आप उसके साथ साथ मजीद पेपर्स भी पढ़ते जाएं डेली बेसिस पे। मैंने एक जो स्टडी का क्राइटेरिया वो मिनिमम रखा होता है, ताकि जो एक बिगिनर लेवल का स्टूडेंट है वो भी हमारे साथ चल सके, क्योंकि जो एडवांस लेवल का है उसने तो पढ़ ही लेना है, उसने तो और भी सोर्सेज और भी बुक्स के साथ स्टडी करते रहनी है, खासकर पीएमएस और जो सीएसएस लेवल का स्टूडेंट होता है उसने और भी बुक्स पढ़ी होती है। ये एक बुक मैं आपको रिकमेंड करता हूँ जो आप साथ में स्टडी कर सकते हैं। सेकेंड बुक होती है जीके कारवान एनसाइक्लोपीडिया बाय चौधरी नजीब, आप ये ले सकते हैं। इसके अलावा है चौधरी शुएब की जंगीर वन टाइम की वन लाइनर, आप ये ले सकते हैं। इकरा इम्तियाज की है वन लाइनर, आप इन तीनों में से कोई भी ले सकते हैं। आप जाएं बुक शॉप पे, वहां तीनों बुक्स देखें, आपको जिसका स्टाइल और चीजें, वैसे तीनों में ही ऑलमोस्ट सेम ही है, किसी ने आगे पेस्ट किया हुआ चीज को, किसी ने पीछे किया हुआ, उठा के कॉपी पेस्ट ही मारा होता है इन्होंने, लेकिन फिर भी आप बुक सेंटर पे जाएं, वहां आपको जो जिसका कवर अच्छा लग जाए ना
और कंटेंट अच्छा लग जाए पहले 2-3 पेजेस खोल के देख लें, तो वो वाली एक बुक इनमें से परचेज कर लें। यही दो बुक्स रिकमेंडेड होती हैं आपको वन पेपर के हवाले से स्टडी करने के लिए। ये बिगनर लेवल की मैंने आपको दो बुक बता दी। हाँ जी, एक्स्ट्रा जो आपने मटेरियल कवर करना है वो आप मेरे से, अगर पाकिस्तान फेयर चल रहा है ना, कल से हम स्टार्ट करने लगे हैं, आप मुझे इनबॉक्स में आके मेरे से पूछ लेंगे कि सर मैं पीएमएस का भी स्टूडेंट हूँ, या मैं सीएसएल का भी स्टूडेंट हूँ, या मैं चाहता हूँ कि इंटरव्यू मेरे पास टाइम ज्यादा होता है, मैं टोटली फोकस्ड हूँ, जितना आप मटेरियल दे रहे हैं वो मैं जल्दी तैयार करके, मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम होता है, तो मैं आपको और बुक्स रिकमेंड भी कर दूंगा, कहेंगे तो सॉफ्ट में भी भेज दूंगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन? चलें ठीक हो गया। बाकी भी आपके जो क्वेश्चन होंगे आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी पूछ सकते हैं मेरे से, जो एक डिस्कशन ग्रुप है उसकी प्राइवेसी में ऑन करने लगा हूँ, उसके अंदर आप किसी भी टाइम कोई भी चीज कोलीग से पूछ सकते हैं, एक दूसरे को इनबॉक्स करने से अवॉइड कीजिएगा, ग्रुप के अंदर जो भी डिस्कशन हो ग्रुप के अंदर आप लोग कर सकते हैं। और एक ग्रुप होगा एडमिन कंट्रोल्ड, उसके अंदर मैं जस्ट आपको क्लास टाइमिंग, जो लेक्चर होगा उसकी पीडीएफ फाइल, ताकि चीजें मिक्स ना हो जाए बहुत ज्यादा डिस्कशन के अंदर। तो मटेरियल वाला हमारा ग्रुप अलहदा है और डिस्कशन वाला ग्रुप हमारा अलहदा है। मटेरियल वाला ग्रुप हमारा एडमिन रिस्ट्रिक्टेड है, डिस्कशन वाले ग्रुप की प्राइवेसी ऑन होती है, उसमें जो चीजें मैं आपके जिम्मे लगाता हूँ वो आप डेली बेसिस पे डिस्कस कर सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट का रेफरेंस बुक जरूरी है फॉर कंसाइज स्टडीज? यार ये हर बंदे के बस का काम नहीं है। अगर आप समझते हैं कि आप इस, ये पहले भी काफी दफा बात रिपीट हो गई, फिर मैं रिपीट करने जा रहा हूं, अगर आप समझते हैं कि आपके पास अभी भी जो चीजें मैं दे रहा हूँ उसके बाद भी टाइम है, तो आप पढ़ें। देखें, आप अगर कहेंगे कि मैं सर फलां बुक भी पढ़ लूँ, मैं ये तो नहीं कह सकता कि ना पढ़ो। डेफिनेटली कोई भी आप बुक पढ़ते हैं उसने आपको नॉलेज ही देना है, आपके इंटरव्यू की स्किल्स, आपके डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की स्किल्स को इम्प्रूव ही करना है। तो हर सब्जेक्ट की कंसाइज मैं आपको बता सकता हूँ, रेफरेंस दे सकता हूँ, बुक का मटेरियल प्रोवाइड कर सकता हूँ। ये हर पर्सन की अपनी स्वाबदीद है कि वो बाकियों से कितना ज्यादा पढ़ लेता है, हर बंदे का लेवल डिफरेंट होता है। एक बिगिनर को ही अगर हम अजाफी बुक्स बता देंगे ना, तो उसके लिए चीजें इम्पॉसिबल हो जाएंगी। हर बंदे का एक अपना माइंड लेवल होता है, तो हर बंदा अपने माइंड लेवल के मुताबिक अपने आप को जज करके मजीद बुक पढ़ सकता है, उसके भी सोर्सेज अवेलेबल हैं। चलें ठीक हो गया जी। 10 to 11 का हमारा टाइम होता है, थोड़ा सा जो क्लास टाइमिंग का है ना उसको आपने फॉलो करना होगा। अगर मैं टाइम पे आ सकता हूँ ना, तो आप लोग भी टाइम पे आ सकते हैं। मुझे भी जिंदगी में बहुत सारी मजबूरियां होती हैं, ठीक है, डे में सुबह जॉब है, उसके बाद मेरी काफी हेक्टिक रूटीन है, दिन में मेरे 4-5 वेंचर्स होते हैं जो मुझे कंप्लीट करने होते हैं, तो आप लोग भी कर सकते हैं। तो इस चीज का थोड़ा सा मेरी तरफ से स्ट्रिक्टनेस होती है, आप लोग जो है ना वो क्लास को नहीं स्किप करेंगे, अगर आप ज्यादा क्लासेस स्किप करेंगे तो मैं ग्रुप से स्किप कर दूंगा आपको, तो थोड़ा सा इस चीज को आपने मद्देनजर रखना है। कोई किसी दिन भी ऑफ लेना है मुझे आप बता के ऑफ करेंगे, ठीक है जी? चलें, ओके, अल्लाह हाफिज़।